धनंजय भाई, अब आपके पास आ जा रहे हैं। इस समय आप जहां पे बैठे हैं और जिस जगह से आते हैं, वो दो जगह दोनों बहुत सेंसिटिव हो गई हैं, एनडीए के लिए भी, इंडिया के लिए भी। बिहार में गठबंधन, भाई एनडीए ने सबको सीटें बांट दी, हालांकि सीटें बांटी हैं तो अजीब अजीब ढंग से सीटें दी गई हैं। मैं इसलिए कह रहा हूं, मैं बिहार को शायद भौगोलिक रूप से उत्तर प्रदेश से ज्यादा जानता हूं। अब शिवहर से रमा देवी जी की सीट कट गई। रमा देवी जी, मैं अपने दर्शकों को बता दूं, वो वही रमा देवी जी हैं जिनको देख के आजम खान साहब ने एक बार कुछ रिमार्क कह दिया था कि आपके चेहरे से मेरी नजर नहीं हटती, तो उसको बहुत सेक्सीएस्ट रिमार्क मान लिया गया था। मुझे लगता था कि वो इट वॉज इन अ गुड ह्यूमर, लेकिन खैर, उनके जो हस्बैंड थे बृजबिहारी प्रसाद हैं, मैं क्यों जानता हूं व्यक्तिगत रूप से, बृजबिहारी प्रसाद मुजफ्फरपुर से एमएलए थे, थोड़े बाहुबली, थोड़े क्या मतलब, थे ठीक ठाक बाहुबली आदमी थे। उनकी सीट काट दी गई और वहां लवली आनंद को फिट किया जा रहा है। ये जब उपेंद्र कुशवाहा को एडजस्ट कर रहे हैं तो वो महाबली सिंह कुशवाहा की सीट काट दिए हैं जेडीयू। मतलब मैं सिर्फ ये कह रहा हूं कि अभी भी अंडर करंट तो अब आना शुरू होगा धनंजय जी। और दूसरा ये जो जो कहा जा रहा है कि जेडीयू में ट्रेंड कर रहा है, मैं नहीं कह रहा हूं, ट्रेंड कर रहा है कि अब आया है ऊंट पहाड़ के नीचे, चिराग पासवान को अब तो मजाक चखा के ही भेजना है, एक बात तो इस पे जरा आप कह दीजिएगा। दूसरा, महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स में भी कुछ बोलिएगा, लेकिन एक चीज मुझे लगी, भाई मेरे उत्तर प्रदेश का वहां उस समय कोई भाषण नहीं दे रहा था, तो मैं तो तेजस्वी को ही मान लूंगा हिंदी भाषी। तेजस्वी ने उस दिन जिसको कहते हैं महफिल लूट ली थी। तो दोनों चीजों का जरा, बिहार का पहले बताइए कि एनडीए का जो सीट का वो हुआ है वो कितना ठीक रहेगा, उसमें आपसी कितना झगड़ा रहेगा, और महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे भी। धनंजय जी, अभी इतना मतलब क्या इसको कहें, सिनेमा फ्लॉप हो गया जो चल रहा है उसमें, सिनेमा फ्लॉप हो गया। मैं सिनेमा का राइटर हूं इसलिए बेहतर समझता हूं। अब आपने बिहार और महाराष्ट्र दोनों जगह की बात की, दो संजोग से मैं दोनों जगह पे हूं, एक जगह का रहने वाला हूं, एक जगह हूं, और दोनों जगह के राजनीति को बड़ी अच्छी से समझता हूं। एक कहावत है अपने यहाँ, ज्यादा जोगी मठ उजाड़, बीजेपी के साथ एग्जैक्टली वही हुआ है। और ये जो है, ये बिहार में देख लीजिए कि इस तरह से बिहार और मध्य प्रदेश में, महाराष्ट्र में कोई फर्क नहीं है, सेम हूबहू वही चल रहा है, वही पिक्चर वहां है, वही पिक्चर यहाँ है, उसमें कोई रील का भी अंतर नहीं है, एक्टर भी सब वही है, जितने लोग हैं सबके बीच भीतरघात है। आप एनडीए के गठबंधन को देख लीजिए, बीजेपी काट रही है नीतीश कुमार को कि छोटा करो, याद कीजिए 2020 का चुनाव चिराग पासवान को लगा दिया, चिराग पासवान से कटवा रहा, चिराग पासवान काट रहे हैं अपने चाचा पशुपति पारस को, जिस पशुपति पारस को, रामचंद्र पासवान को, रामविलास पासवान अपने भाई के, तो उनके भाई थे, भाई को खड़ा किया, बड़ा किया, सब कुछ किया, भाई के लिए जिया। पशुपति पारस ने जो है एक किताब लिखी गई है रामविलास पासवान के ऊपर, एक छपी, उनके सारे भाषणों का जो संसद में भाषण दिए हैं उसमें बड़ा उन्होंने भूमिका लिखी है, बड़ी मार्मिक भूमिका लिखी है, मतलब संवेदन आपके दिल को छू जाती है भूमिका, जो पूरी कहानी बताई है रामविलास पासवान को लेकर। अब उसका उसको कैसे तहस नहस कर दिया वहां, आप देख लीजिए पूरा इमोशनल फैमिली ड्रामा को कैसे बर्बाद किया गया। तो वो भीतरघात फिर जो है पशुपति पारस और चिराग पासवान के बीच है। नीतीश कुमार क्या चिराग पासवान को छोड़ देंगे, नीतीश कुमार क्या बीजेपी को छोड़ देंगे? तो बीजेपी, चिराग पासवान, नीतीश कुमार, मांझी जी के, अब हरि मांझी वहां खड़े थे गया से उनको हटा करके जो है ये मांझी जी आ गए, तो एक मांझी जी दूसरे मांझी को काट रहे हैं। कुशवाहा जी की बात आपने कर ही दी, काराकाट उपेंद्र कुशवाहा जी, उपेंद्र कुशवाहा क्या नीतीश कुमार के सपोर्ट में खड़े होंगे? क्या नीतीश कुमार उपेंद्र कुशवाहा के सपोर्ट में खड़े होंगे? तो ये जितने इनके दल हैं बिहार में वो सारे एक दूसरे को भीतर घात करेंगे, ये लिखिए। ये मोदी जी को नहीं पता हो शायद, लेकिन ये स्थिति बन गई है। क्यों हुई है वो सब जानते हैं। महाराष्ट्र में आ जाइए, वहां से महाराष्ट्र में भी एग्जैक्टली वही हुआ कि इन्होंने से जो सबसे विश्वस्त पार्टी थी महाराष्ट्र में, सबसे विश्वस्त पार्टी बीजेपी की कौन थी? शिवसेना थी। शिवसेना के कंधे पे चढ़ के आपने मेला देखा। मेला देखने से मतलब होता है कि आप जो है सत्ता का स्वाद चखा। महाराष्ट्र में जब सत्ता आई और जब दिल्ली में सत्ता आई, दोनों सत्ता में शिवसेना की बड़ी भूमिका थी। मोदी जी मुख्यमंत्री बने रहे उसमें बाला साहब ठाकरे की बड़ी भूमिका थी। आपने किसको छोड़ा?
जिसने आपकी पार्टी को पहली बार सत्ता का स्वाद दिया उसको नहीं छोड़ा, जिसने आपको मुख्यमंत्री पद पे बचाए रखा उसको नहीं छोड़ा, आप किसको छोड़ेंगे? फिर एक बड़ा व्यक्तिगत हो जाता है, लेकिन बोल देना जरूरी है, क्योंकि व्यक्तिगत हमले भी आजकल व्यक्तिगत रहने गए, और व्यक्ति जब, हम सिनेमा के आदमी हैं, तो जब व्यक्ति जब सार्वजनिक हो जाए, समाज का हो जाए, तो व्यक्तिगत रहता नहीं। आपने अपने भाइयों को नहीं पहचाना, बताइए मोदी जी के घर में जो प्रधानमंत्री निवास है कोई भाई रहता है उनका? अपने रिश्तेदारों को नहीं पहचाना, अपनी माँ तक को आप नहीं ले गए प्रधानमंत्री निवास में, पत्नी को आपने लिखा उस पे कि हाँ मेरी पत्नी है, लेकिन पत्नी का सम्मान कहाँ दिया? पत्नी को वो भी भूमिका नहीं निभाने दी जो वो कह रही थी कि मुझे जाना है अपनी सास के निधन पे, आपने पुलिस लगा दी, नहीं जाने दी, आप किसके होंगे? फिर आप अभी सुनील जी बात कर रहे थे वहां महिलाओं के बारे में, वो जो शक्ति की बात कर रहे थे, भाई आप बोलते हो तो बोलते समय आपकी आत्मा कुछ बोलती है या नहीं बोलती? आत्मा है या नहीं है? हम तो जानते हैं सबके भीतर आत्मा है, तो वो जो गैरत है वो आपको ललकारता है कि जब आप स्त्री शक्ति की बात कर रहे हो, जब आप बोल रहे हो मैं तो भारत माता का पुजारी हूं, तो मणिपुर दिखाई पड़ता है या नहीं पड़ता? और दूसरी जगहों पे जो लड़कियों के साथ हुआ, जो महिला पहलवानों के साथ हुआ, वो दिखता है या नहीं दिखता है? जो राहुल गांधी को आप, जब से आप प्रधानमंत्री बने हो उसके पहले से गालियां दे रहे हो, वो आपको दिखाई पड़ता है कि नहीं पड़ता? सोनिया गांधी के बारे में जो बोला आपको दिखाई सुनाई पड़ता है कि नहीं सुनाई पड़ता? और अगर नहीं सुनाई पड़ता है, फिर एक किस्सा मैं सुनाऊंगा जो सुनील जी सुना रहे थे। हमारे गांव में किस्सा है सुनील जी, दो समधि जी थे, एक समधि जी बैगन तोड़ रहे थे, दूसरे समधि जी आए और दोनों जो है यहां से गायब थे। तो एक समधि जी ने कहा समधि जी प्रणाम, तो दूसरे समधि जी ने कहा बैगन तोड़ रहे हैं। फिर पहले वाले समधि जी ने कहा कि और सब घर परिवार ठीक है ना? बोले बैगन सब कनाहा हो गया है। तो आप जो बोल रहे थे वही हमारे गांव में है, तो जहां ये गायब हो जाए तो अब क्या बचेगा? तो अब मुझे लगता है कि अति अति के आगे भी अति होती है शायद, हम तो नहीं जानते थे होती थी, लेकिन मुझे लगता है कि अति के आगे भी कोई अति थी, वो सारे अति। एक और नरेश सक्सेना जी की कविता है, आनंद वर्धन जी आप जानते ही होंगे, कि वस्तुओं के गिरने के नियम होते हैं, मनुष्यों के गिरने के नियम नहीं होते। वो एकदम प्रमाण है, ये इससे बड़ा प्रमाण उस कविता को, उस कविता के जीवंत होने का, उस कविता के अमर होने का कोई दूसरा नहीं हो सकता। उदाहरण फोटो चिपका दीजिए और वो लिख दीजिए, कविता एकदम चिपक जाएगी। आप बताइए, ये समझाइए, इलेक्टोरल बॉन्ड खाली मसला नहीं है, इलेक्टोरल बॉन्ड तो करप्शन है, इकोनॉमिक करप्शन, आपने मेंटल करप्शन किया, कल्चरल करप्शन किया, आपने इस देश के जो संस्कृति थी, बीजेपी की संस्कृति भी मान लीजिए, बीजेपी की संस्कृति क्या थी, आरएसएस किस तरह से जाना जाता था, आपने तमाम संस्कृतियों को नष्ट कर दिया। नष्ट कर दिया मतलब माचिस लगा करके जला करके राख बना दिया उसको। संस्कृति की बात करना धोखा है आपके लिए। आप संस्कृति के किस हैसियत से, किस ईमान के साथ बात करोगे संस्कृति के? भारत की संस्कृति क्या थी? वसुधैव कुटुंबकम, वसुधैव कुटुंबकम को आपने क्या दिखाया, क्या किया वसुधैव कुटुंबकम? कौन सी आप बात करते हो कि बादशाहों में क्या होता था, वो बहनों का नहीं था, पति का नहीं था, पिता का नहीं था, कौन किसको मार देता था, वो देखिए फलाना बादशाह ने अपने बाप को कैद कर दिया, फलाना बादशाह ने अपने बाप को कैद कर दिया। हालांकि उससे बड़ा मेरे उदाहरण तो मेरे मगध में, मगध में बिंबिसार को उसके बेटे ने कैद कर दिया था, महात्मा बुद्ध थे उस वक्त। तो ये जो संस्कृति की बात करते हैं वो झूठा है और ठगते, अब पहले तो ठग रहे थे खाली जनता को, आम नागरिकों को ठग रहे थे, जिसके पास ये थोड़ा गायब है या नहीं पढ़ता ज्ञान है, या कहिए कि एकदम बीमार इतना है कि वायरस इतना भयंकर लग गया कि इलाज ही नहीं हो सकता, लाइलाज है, जिसे डॉक्टर कई बार भेज देता है ना कि भैया आप जाइए, नमस्कार, आप खिलाइए पिलाइए चाचा जी को, और चाचा जी आपका हरि भजन करेंगे, चले जाएंगे, उस स्थिति में पहुंच गया। दूसरी बात, अब जो है उसके बाद ठगते ठगते इस लेवल पे आ गया कि वो आ गए ठगने के लिए, नेताओं को ठग लिया, सारे नेताओं को ठग दिया, वो क्या राहुल गांधी हो, क्या नीतीश कुमार हो, क्या पशुपति पारस हो, क्या उद्धव ठाकरे हो। कि अब देखिए कि उद्धव ठाकरे ने क्या गलत कहा था? अगर आप 2.5 साल मान लिया कि आपने कमिट नहीं किया, हम सब आप उसको भी छूट देते हैं, आपने नहीं कहा था 2.5 साल, 2.5 साल अगर दे देते तो क्या होता? अभी क्या हुआ, कितने साल आपके मुख्यमंत्री रहे? आपकी हालत ये हो गई कि जो आपका मुख्यमंत्री था उसको डिप्टी चीफ मिनिस्टर बना दिया, जो मालिक था उसको दरबान बना दिया आपने, और आप गिन रहे हो कि मैंने बड़ा भारी राजनीति कर दी। आप जो है
कोई एक जगह बताइए, मैं हर किसी से पूछ रहा हूँ, आपसे मैं पूछ रहा हूँ, जो हमारे चार आपके अलावा तीन साथी हैं जो दर्शक हैं, कोई एक वजह बताइए कि जो है 2019 और 2024 के पहले का छोड़ दीजिए, 2019 के 24 के बीच में 5 साल में ऐसा कोई काम जो देश के नागरिकों के लिए जरूरी काम था, सबसे जरूरी काम मैं मानता हूँ स्वास्थ्य व्यवस्था, सबसे उसके बाद जरूरी काम है शिक्षा, शिक्षा फ्री आप कर देते कि देश का हर नागरिक, हिंदू के लिए ही कर देते भाई, कि 80% हिंदू जो है फ्री में शिक्षा लेगा, 80% हिंदू जो है फ्री में इलाज होगा, या आयुष्मान कार्ड का जो लटका चस्पा किए हो चलता कहीं का देखा जा करके, मोदी जी को किसी अस्पताल में जो डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर का अस्पताल है वहां जाकर जा भर्ती हो जाना चाहिए था, दाढ़ी तो बढ़ा ही लेते हैं, रूप तो बदल लेते हैं, एक बार रूप बदल के जाना चाहिए था और देखते कि वहां क्या होता है। तो ये आप आज मैंने प्रोग्राम किया पूर्वांचल में 10 साल से नरेंद्र मोदी जी हैं बनारस में, बताइए बनारस के आम नागरिकों के विकास के लिए उन्होंने क्या किया। मैं सड़कों को विकास नहीं मानता हूं, सड़कें जो है कारपोरेट कंपनियों को, हमारा घर कारपोरेट कंपनियों की दुकान में लगे रख दिया, बेच दिया आपने, पूरी संस्कृति बर्बाद कर दी आपने, और आप गिन रहे हो हम जो है राम जी का मंदिर, अरे राम जी का मंदिर बना दिया तो क्या किया, राम मंदिर नहीं था पहले, राम मंदिर बनाया अच्छा किया, लेकिन राम के आदर्श का क्या किया आपने, राम के आदर्श क्या थे, एक व्यक्ति ने राम पे आरोप लगाया कि मैं कोई राम हूं क्या, जो रात भर बाहर पत्नी बाहर रही उसको घर ले आऊं, उस व्यक्ति ने राम ने उस व्यक्ति के कहने पर एक वो जो है विपक्ष समझ लीजिए, एक आदमी ने सवाल कर दिया, राम ने त्याग कर दिया पत्नी का, उसके लिए आलोचना हम सब करते हैं कि अपने पत्नी का क्यों क्यों त्याग किया, अपने राजपाट का त्याग क्यों नहीं किया, आपको राजपाट का त्याग करना चाहिए था, पत्नी जिसने सब जगह साथ दिया, जिसके लिए आपने इतनी लड़ाई लड़ी, रावण से लड़ा, इतना बड़ा युद्ध किया, उस पत्नी को लेकर के आए, और कितना प्यारा है उसको दूसरे सिंबल में देखिए, एक स्त्रीवादी सोच तो हमने बता दिया, लेकिन दूसरा एक जीव इतना प्यारा था जिसके लिए इतना संघर्ष किया उस व्यक्ति ने, उसका त्याग कर दिया, जिसे वो कहते हैं ना कि वो बलि, वो जो कुर्बानी होती है तो सबसे प्रिय, बोला कि अपने बेटे की कुर्बानी दो सबसे प्रिय, तो बेटा है तुम्हारा, और उसने बेटी की कुर्बानी दी और बकरा बन गया, ये कहा था कथा है ना इस्लाम में, तो वही सबसे प्रिय सीता थी राम के लिए, उस सीता का कुर्बानी की कुर्बानी दी राम ने, उस एक व्यक्ति के कहने पर, एक आरोप तो लग गया, और आपको तो पूरा विपक्ष कह रहा है कि गलत काम कर रहे हो, पूरा देश कह रहा है, पूरी दुनिया कह रही है, मणिपुर वाले घटने पे कौन नहीं थूका आपके ऊपर, लेकिन आपकी आंख में तनिक पानी था, है ना, आंख में पानी है ना आत्मा है, तो आपने मुकुट किसको पहनाया है, आप जो है ऐसे कर करके आंख मूंद करके ध्यान नहीं लगता है, ध्यान लगाने के लिए कहा गया है कि आप अपनी समाम वानप्रस्थ आश्रम के लिए जरूरत होती है, वानप्रस्थ आश्रम मतलब क्या होता है, सारी जवाबदेहियों से निवृत्त हो जाना, आपने इलेक्ट्रोनल बॉन्ड ला दिया, आपने कहा था कि काला धन खत्म कर देंगे, ले आएंगे काला धन, आपने कहा था कि भ्रष्टाचार खत्म कर देंगे, और आपने एक नई जो है नई नदी बहा दी, बोला आओ इसमें डालो, जितने बड़े बड़े ऑफिसेज हैं पूरे देश में बीजेपी के कहां से कैसे बन गए, इतनी बड़ी बड़ी रैलियां करते हैं, इतने बड़े पैसे देते हैं अपने कार्यकर्ताओं को, से हर जगह उनके ऑफिस में देखिए जाकर के, किसी ऑफिस में जाइए शहर के, 50-50 लोग बैठे रहते हैं, क्या फ्री में बैठे रहते हैं, चाय कौन पिलाता है उनको, कहां से आता है पैसा चाय पीने का, तो ये देश को लूट लिया राम के नाम पर, यह है ना राम नाम की लूट है, तो वो तो अच्छे संदर्भ में है, लेकिन ये तो आपने धोखा दिया, वो झांसा राम, वो झामदेव, ये सब क्या है, वही है, अभी सुप्रीम कोर्ट ने आज फिर कहा ना विज्ञापन के मामले में रामदेव को कि अगर आप नहीं आते हो आपको आना पड़ेगा, अभी उन्होंने कहा था कि मांगा था जवाब, क्लियरिफिकेशन दो, दिया नहीं दिया, अब सुप्रीम कोर्ट को जो आदमी क्लियरिफिकेशन नहीं देता है उसको आप देशभक्त कहते हैं, वो देशभक्त हो सकता है, हम साला पुलिस चौकी में हमको पुलिस वाला बुलाता है तो हम चले जाते नहीं आ रहे, उन्होंने बुलाया तो हमको जाना पड़ेगा, आपको सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि आप जवाब दो, और जवाब नहीं देते आप कहते हो मैं देशभक्त हूं, और आपको चरण छू करके प्रणाम करके दुनिया को दिखाते हैं कि देखो कितना महान आदमी है, परम सबसे आदरणीय नेता इस देश का जो प्रणाम कर रहा है चरण छू करके, और वो बाद में फिर वो जेल चला जाता है, कमाल है यार, तो ये जो है बेहद चिंता का विषय है, लेकिन मुझे लगता है कि हो गया, बाढ़ जो है चली गई, बाढ़ जाने के बाद जो कचरा छोड़ गया है पानी नदी का, बाढ़ का पानी वो सड़ेगा, वो सड़ रहा है, वो सड़ने के बाद खाद बनेगी, हमारा देश जो है
बाहर निकलेगा और ये तमाम कचरा को साफ करेगा, तमाम कचरा खाद बन करके फिर से जो है लहलहाएगी फसल, ऐसी हमको उम्मीद है। इसलिए हम निराश नहीं है, लेकिन बिहार और महाराष्ट्र उदाहरण है मोदी जी के लिए कि मोदी जी देखो करनी का फल यही मिलता है। हमारे गांव में कहावत है करनी का फल यही मिलता है, मिल जाएगा आपको, आपने जो किया है, जो धोखा दिया है। सबसे बड़ी बात इस देश के उन गरीब लोगों को धोखा दिया है जो अज्ञान है। 40% निरक्षर लोग हैं, आप कह रहे हो 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना, ढोल पीट रहे हो, 5 किलो अनाज नहीं दे रहे हो, उससे ज्यादा पैसा उनसे वसूला है आपने। 5 किलो अनाज की कितनी कीमत होती है जरा बताओ मुझे दाम लगा करके, और आपने GST में कितना वसूला है? वो चाहे कोई दवाई खरीदे, क्या वो 80 करोड़ जो लोग जो 5 किलो अनाज आपसे ले रहे हैं वो टैक्स नहीं देते हैं क्या? वो GST पे नहीं करते हैं कोई सामान खरीदने की स्थिति में? आपने उनका पैसा लिया और जहाज पे घूम रहे हो यार, इतने लोग मर गए कोरोना में, आपको शर्म तक नहीं आई? लेकिन कितनी लानत भेजोगे, लानत भी थक गई, बोले अरे कितनी बार हमको वहां भेजोगे प्रभु माफ करो। तो समय जो है उसका भी लिखेगा इतिहास, है ना, जो तटस्थ जी। मैं खत्म करूं उससे पहले एक बात इसलिए कह देना जरूरी है कि हम लोग न्यायपालिका पे कई बार सवाल उठाते रहे, मैं उठाता रहा हूं, हम जितने लोग हैं सबको रहा है, लेकिन भाई पुराना सब किया दिया खत्म हो गया एक इस काम से। और वो मैं इसलिए बोल रहा हूं धनंजय जी, ये जो ADR की ओरिजिनल पिटीशन है, उस पिटीशन में ये एक लेख इंडियन एक्सप्रेस में जगदीप ठोकर जी ने लिखा है, आप भी पढ़, कोई भी पढ़ सकता है। उस पिटीशन में केवल इतनी प्रेयर थी कि आप इलेक्टोरल बॉन्ड जो इलीगल है इसको बंद कर दीजिए, इसको खत्म हो जाना चाहिए, इट एंड्स देयर। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपनी तरफ से कहा कि नहीं बंद नहीं, ये ट्रांसपेरेंट भी होना चाहिए और लोगों को पता चलना चाहिए किसके पास कितना पैसा आया। तो मुझे ऐसा लगता है कि शायद मेरी याद में पिछले कुछ सालों में कम से कम न्यायपालिका ने एक ऐसा काम किया है जो उससे पूछा नहीं गया था। न्यायपालिका का जैसे है नहीं, वो कह रहे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया उतना ही, जब न्यायपालिका भी इसमें कहती है लीगल है खत्म, मामला खत्म, अब आगे मत लीजिए, उसने कहा नहीं आप ट्रांसपेरेंट, आप बताइए किसने कितना पैसा लिया। मैं इसलिए इस बात को कह रहा हूं कि उम्मीद जगी है कि पीएम केयर फंड और जो 16 लाख करोड़ माफ किए गए उनके नाम। बहुत संक्षेप में धनंजय भाई, हमारे यहाँ फिर एक कहावत याद दिलाता, हमारे यहाँ कहावत है 100 सुनार की एक लुहार की। तो एक जो है एंटायर पॉलिटिकल साइंस में PhD किया हुआ व्यक्ति और एक रियल लॉ में किया हुआ व्यक्ति में क्या अंतर होता है, वो सुप्रीम कोर्ट ने बतला दिया है देश को, दुनिया को दिखला दिया है कि भारत में न्याय या भारत में वो लोग हैं जो न्याय की बात करते हैं, जो कानून की बात करते हैं, जो ईमानदारी की बात करते हैं, जो ईमान की बात करते हैं। तो इससे बड़ा बल मिला है, हम सबको बल मिला, और आलोचना करनी चाहिए, आलोचना किसी की भी होनी चाहिए। जब राम की आलोचना कर सकते हैं, गांधी की आलोचना कर सकते हैं, तो इनकी आलोचना क्यों नहीं करें? न्यायाधीश का मतलब ये पंच परमेश्वर, मुझे याद आता है आनंद वर्धन जी, पंच परमेश्वर हमने सबने पढ़ा है, वो अगर सच हो जाए वो अद्भुत कहानी है। तो मुझे लगता है कि जो चंद्रचूड़ साहब ने कहा, उनके बेटे का भी एक बड़ा वीडियो वायरल हुआ, तो ये कुछ वो लोग हैं जिनको आप डरा नहीं सकते। वो है ना कहा, नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावक न चैनम क्लेदयन्ति, आपको न सो सकी मारुत है। वो आत्मा के साथ जो है वही जमीर के साथ, आप उसको डरा नहीं सकते। कई ऐसे लोग हैं जिनको आप डरा नहीं सकते, जिनको मार नहीं सकते, जिनको काट नहीं सकते, जिनको जला नहीं सकते, जिनको भिगा नहीं सकते, वो हैं। वो चंद्रचूड़ जी ने या जो और लोग हैं, बहुत सारे लोग लड़ाई लड़ रहे हैं, वो ADR के जो लोग हैं उन सब की बात करूंगा। देश जो है मुझे लगता है, कहते ना कि धरती वीरों से खाली नहीं है, वो है, भले कुछ समय के लिए दब जाते हैं, ढक जाते हैं, वो चुप हो जाते हैं या कुछ और हो जाते हैं, लेकिन है। और मुझे लगता है यही सबसे बड़ी उम्मीद है, 2024 के चुनाव में वही मुझे उम्मीद दिखाई पड़ रही है कि चीजें बदल जाएंगी, सुबह होने का समय आ गया।